आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। एसआईसी अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड की तैयारियां अंतिम दौर में हैं और जल्द ही यहां पर कोरोना के मरीजों को शिफ्ट करने का काम शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर एसआईसी अस्पताल के कर्मचारियों और चिकित्सकों को WHO और स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तानगरी में लगातार कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह आंकड़ा सोमवार को 138 तक पहुंच गया, जिसमें अभी 124 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं, जिसके चलते अब लगातार आइसोलेशन वार्डों की डिमांड बढ़ती जा रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हलवाई के बगीचे स्थित ESIC अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड की तैयारियां अंतिम चरण में है, जहां पर 30 बेड का आइसोलेशन वार्ड लगभग तैयार हो चुका है, जिसका निरीक्षण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और WHO की टीम पहुंची। जल्द ही यहां पर मरीजों को शिफ्ट करना भी शुरू कर दिया जाएगा, जिसको लेकर ESIC अस्पताल के डॉक्टर को और पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई। इसकी जानकारी डॉक्टर अनुपम मिश्रा द्वारा दी गई। कल यहां पर जो है डॉक्टर्स को, नर्स को और वार्ड बॉय, फार्मासिस्ट, LT और स्वीपर, इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई है कल। और उसमें ट्रेनिंग के बाद ये टीमें बना दी गई हैं, बैच के हिसाब से ये काम करेंगे। उसमें से कुछ लोगों को जो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका देखा जाएगा, उसको हटाया जाएगा। और जिनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है उनको दूर रखा जाएगा। और दूसरा जो है, ये अभी 2-4 दिन बाद यहाँ पे केस आना शुरू होंगे, जैसा कि बातचीत चल रही है। अभी बाहर की लिस्ट वो लाएंगे, उन्होंने दी तो नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कुछ बाहर के भी लगाएंगे, लेकिन बाहर के ज़्यादातर होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक यही लगेंगे, एक एलोपैथिक यहाँ से लगेंगे। हालांकि हम लोगों के पास भी करीब ज़्यादा डॉक्टर नहीं हैं, 6-7 ही डॉक्टर हैं टोटल मिला के, और उसमें से भी कुछ प्रॉब्लम में है, लेकिन फिर भी सभी लोग पूरे अपने जोश से काम कर रहे हैं। वहीं ESIC अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड को लेकर लगातार मीटिंग का दौर भी चल रहा है। ESIC CMO डॉक्टर राजेंद्र राजपूत ने इसकी जानकारी दी। जो स्टाफ हमारे यहाँ आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी करने जा रहा है, उसके लिए जिला अस्पताल और WHO की तरफ से एक ट्रेनिंग शेड्यूल रखा गया था, जिसमें सारा स्टाफ था, डॉक्टर थी, स्टाफ नर्स थी और सभी लोग थे। और उसमें एक ट्रेनिंग शेड्यूल रखा गया, उसमें बताया गया कि PPE किट कैसे पहनेंगे, कैसे उतारेंगे, ग्लव्स कैसे पहनना है, कैसे उतारना है, मास्क कैसे लगाना है, ये सारी ट्रेनिंग का एक शेड्यूल रखा गया था। नहीं, कोशिश यही है कि हम लोग 52-55 से उम्र के ऊपर के लोगों की ड्यूटी न लगाएं। डॉक्टर राजेंद्र राजपूत ने बताया कि ESIC अस्पताल के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम को 3 शिफ्ट में बांटा गया है, जिसमें एक शिफ्ट में 2 डॉक्टर और बाकी पैरामेडिकल स्टाफ रहेगा। अनिल, सी न्यूज़, आगरा।